मुझे एक कमेंट आया है केडी फ्रॉम लखनऊ, वो मुझे लिखते हैं कि आपके जो मेकअप वीडियो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी है जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है, और करवा चौथ के लिए एक बेसिक सा और सिंपल सा लुक जो है वो हमें दिखाओ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरे को बताया कि मेरे जो मेकअप के वीडियो हैवी मेकअप होने की वजह से आप लोगों के समझ में नहीं आते हैं। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि जितना सिंपल और जितना बेसिक मेकअप हो सके स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को हर चीज़ सिखाऊं और बताऊं। हेलो यू ऑल ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकओवर बाय अनीता चौहान। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ स्पेशल लुक। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि खत्म हो चुके हैं और करवा चौथ आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी फटाफट से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँ। तो आप जैसे कि मेरा लुक देख रहे हो, रेड सिंदूर, रेड बिंदी, मंगलसूत्र, और जो मैंने ये कॉस्ट्यूम पहना है वो भी रेड कलर का ही पहना है। तो और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में जितना सिंपल और जितना बेसिक मेकअप हो सके आप लोगों को बताऊं और सिखाऊं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले क्या करना है आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉन्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। बहुत ही ऑसम मॉइस्चराइज़र है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है और बहुत ही अच्छे से स्किन को जो है हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज़ करता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ स्टे क्विक का ऑयल बेस फर्स्ट प्राइमर। उसके बाद मैं ले रही हूँ स्टे क्विक की ही कंसीलर मिनी पैलेट। तो मैंने इसमें अपने जो ऑरेंज कंसीलर है और येलो कंसीलर है दोनों को मिक्स करके यूज़ किया है। तो जहाँ जहाँ मेरे डार्क सर्कल है मैं वहाँ वहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से कंसीलर को है जो है मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हो। तो मेरा जो अनइवन टोन था वो इवन हो चुका है, आप देख रहे हो। उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन फ्रॉम मेबिलिन का शेड नंबर 128। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। अब मैं इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और अब मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट जो कि हमारे फाउंडेशन को अच्छे से पैक कर देगा और फिक्स कर देगा हमारे फेस पे। और अब मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ बेसिक सी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग हम क्यों करते हैं, कॉन्टोरिंग से जो हमारा फेस होता है उसको एक अच्छा सा शेप मिल जाता है। जैसे कि हमारा चीक एरिया को हमें पतला दिखाना है तो हम इस तरीके से वहाँ पे कॉन्टोर करेंगे। जॉ लाइन जो हो गया या डबल चिन है उसको भी आप इससे पतला दिखा सकते हो। नोज़ एरिया को अच्छे से पतला दिखा सकते हो कॉन्टोरिंग करके। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सेम पैलेट में से हाईलाइटिंग। जो एरिया दबा हुआ है हमारा, हम उसको अच्छे से हाईलाइट करके उभारेंगे और वो अच्छा शेप में दिखाई देगा। तो नोज़ एरिया भी हाईलाइट कर लिया है मैंने, चिन एरिया भी, चीक एरिया भी। और अब मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि बहुत ज़्यादा हार्श लाइन ना दिखाई दे। ओके, अब मैं कर रही हूँ आईब्रोज को शेप। तो मुझे अपनी आईब्रोज को प्रॉपर शेप करना पड़ता है। आप देख रहे हो मेरी आईब्रोज बहुत ही बेकार सी है और पतली है। तो अब मैं ले रही हूँ एक स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट में से ट्रांजिशन शेड, जो मैं अपने आईलेट के ऊपर तक मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और अब मैं ले रही हूँ ये डार्क ब्राउन शेड। तो अब मैं इसको करूँगी डिपॉजिट इस तरीके से, आप देख रहे हो। बहुत ही बेसिक सा आई मेकअप मैंने इसमें दिखाया है। तो बस दैट्स इट, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और जो शेड आपने आईज़ के ऊपर यूज़ किया है वही शेड आईज़ के नीचे आपको भी यूज़ करना है। लाइनर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन का जेल लाइनर। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी विंग लाइनर के लिए, मैं लैक्मे का लिक्विड लाइनर, मेरा फेवरेट लाइनर है जो मैं यूज़ करती हूँ विंग लाइनर के लिए। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ काजल फ्रॉम NYB। तो मैं इसको अच्छे से फिल करूँगी आईज़ के अंदर। और अब मैं मश्कारा लगा रही हूँ, मश्कारा है गाला ऑफ लंदन। तो आईलैश मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम रेड चेरी। और इसके साथ ही ग्लू यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का।
तो आई मेकअप आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल है और अच्छा भी लग रहा है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसी तरीके का लाइट मेकअप से शुरू करें मेकअप। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का ही ब्लशर। अगर आप मेकअप में बिगनर है तो कोशिश करें कि आप लाइट मेकअप से स्टार्ट करें मेकअप करना। तो ब्लशर के बाद मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। तो अपने नोज़ एरिया और चिक एरिया जहाँ जहाँ हमने पाउडर हाइलाइटिंग करी थी वहाँ वहाँ ही हम ये हाइलाइटर यूज़ करते हैं चिक एरिया। ओके, अब मैं यूज़ कर रही हूँ आउटलाइन। तो मुझे मैं थोड़ा डार्क कलर के आउटलाइन से आउटलाइन कर रही हूँ लिप को अपने, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ब्राइट रेड शेड। तो यहाँ पे अब मैं अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए लगा रही हूँ एक छोटी सी बिंदी एंड सिंदूर ऑफ कोर्स। तो यहाँ कंप्लीट होता है मेरा फाइनल लुक जैसे कि आप लोग देख रहे हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा लुक भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।